उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की कानून व्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर गई है, जिसके चलते न्यायालय में गवाही देकर घर जा रही पीड़िता का एसपी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर अपहरण करने का प्रयास किया गया। मामला दो अलग अलग समुदाय का होने की वजह से कुछ संगठन भी सामने आकर लड़की पक्ष की तरफ से पुलिस से कार्यवाही की मांग करने लगे। इस दौरान संगठन के लोग शहर कोतवाली के बाहर इकट्ठा होकर लव जिहाद बंद करने व कोतवाल को हटाने संबंधी नारे भी लगाने लगे। यहाँ पर बताते चले कि सीतापुर जिले के लहरपुर के मेराज पर 2013 में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में जेल भी भेज दिया गया था। उसी मामले में गवाही देने के लिए पीड़िता खुद न्यायालय आई थी, जहां पर उसका बयान होना था। लड़की के मुताबिक उसका नाम आरोपी मेराज के साथ जुड़ जाने की वजह से वो अब मेराज के साथ ही जाना चाहती है। युवती की मंशा जानकर आरोपी मेराज पक्ष के कुछ लोग न्यायालय के बाहर उसे अपने साथ ले जाने लगे। इसी बीच लड़की के परिजनों ने विरोध किया। मामला मुख्य सड़क का होने की वजह से आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से आरोपी पक्ष के लोग भाग खड़े हुए। लड़की के पिता का कहना है कि जब उन्होंने लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे लोगों का विरोध किया तो उन्होंने उनके पिता से मारपीट भी की। मामला हिंदू व मुस्लिम समुदाय से जुड़ा होने के चलते कुछ दिनों संगठन ने इसे लव जिहाद से जोड़कर कोतवाली का घेराव करके आरोपियों को पुलिस द्वारा छोड़ देने का आरोप लगाते हुए कोतवाल जनरुद्दीन अंसारी हटाने को की मांग करने लगे। अदालत में आए थे और गवाही हो गई थी, गवाही होकर घर जा रहे हैं, तो उसके भाई लोग उसको हमारी लड़की को जबरदस्ती पकड़ के खींच लाए और हमको मारा पीटा। किसके भाई लोग? मेराज के। मेराज कौन है? मेराज उसी का भाई है, मुंजिम है। अच्छा, किस मामले में मुंजिम? 76 में। कब आपने दर्ज कराया था? 76 2013 में। आज ये कितने आदमी आए जब अपहरण कर रहे थे, आपके साथ भी मारपीट की? हमको मारा, हमारी बीबी को मारा, और वहाँ गाड़ी पर से घसीट के खींच लाए। पुलिस कितनी देर में पहुँची? पुलिस पहुँची करीब हम आधे घंटे में। जब हमने वहाँ से आए तो हम फोन किया, तब फिर यहाँ से हम सर गए। प्रकरण में मुख्य रूप से बाकिया ये है कि जगदीश पुत्र बिरजू ने वर्ष 2013 में थाना लहरपुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, और उस मुकदमे के आधार पर जो विवेचना की गई थी उसमें जो मुलजिम है इसका, उसके खिलाफ चार्जशीट रिसीव की गई थी और मुकदमा ट्रायल पे था। ट्रायल के दौरान गवाह के पक्षद्रोही हो जाने के कारण तथा जो गवाह था, पीड़िता थी, उसके द्वारा ये कहा गया कि वो मुलजिम के साथ जाना साथ में जाना चाहेगी, तभी ये प्रकरण आया और उसने अपने लड़के अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया गया और तभी ये घटना घटित हुई। इस घटना के कारण ही ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की। सर, पुलिस ने इस मामले में किसी की अरेस्टिंग की? अभी इस संबंध में किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है, चूँकि इसमें पीड़िता का जो इसमें पीड़िता है उसके 164 का कथन कराया जाना अति आवश्यक है और 164 का जो कथन होगा उसी के आधार पर विवेचना की दिशा और दशा तय होगी उसी के आधार।